जो ये 18 से 22 साल वाले छोरे इनको संगठन से जोड़ो, ये आज जुड़ेंगे तो अगले 40-50 साल पार्टी संगठन को ताकत देने का काम करेगी। मैं कितनी बार पहले जब भी हम राज्य के आया और आया, जिनके घर में आया बड़े चोई साहब के साथ जवान जवान, उस समय हमारे जो आज बुजुर्ग है छोरे हुआ करते थे सारे, उस समय जय करने लगे थे। 40 साल होगी पार्टी की विचारधारा को इन लोगों को मजबूत कर, आज ये 18 से 23 साल वाली युवा टीम जोड़ दोगे तो अगले 40 साल के लिए एक नई प्योद पार्टी की तैयार कर दोगे, जो पार्टी को और ताकत मजबूती देने। भाई दुष्यंत चौटाला, भाई दुष्यंत चौटाला। और जहां पार्टी संगठन की ताकत की बात, मैम ने तो मेरे से राधा चौधरी देवीलाल जी को राजनीति में देखा है, और कोई बुजुर्ग बैठा उनसे पूछ लेना, चौधरी देवीलाल जी निराश नहीं होया करते, चुनाव जीत जाए अगले दिन कोई वर्कर मिलने जाए तो कह देते थे जाओ हवा बनाओ, हार जाए तो दूसरे दिन गाड़ी लेके फील्ड में निकल लेते थे, कहते थे हवा बनाओ, हवा बनाओगे तो राज आएगा, हवा बनाओगे तो मैम की सीट जीतोगे, हवा बनाओगे तो अपनी ताकत बनाओगे। और आज ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर मैं उठ गया तो चाहे मेरी भवानी खेड़ा हो, चाहे मेरी कलानौर की सीट हो, चाहे वो कलोई क्यों ना, अगर मैम से आवाज उठी और मजबूती के साथ उठी तो ये गारंटी है ये सारी सीटें जननायक जनता पार्टी मजबूती के साथ जीत रहा था। और इसके अंदर आपका सहयोग, आपकी मेहनत बहुत ज्यादा है। जहाँ युवाओं के खेल की बात है, अपना इलाका कुश्ती का इलाका है, पहलवान ज्यादा है, और कई हमारी बेटियों बहनों ने इंटरनेशनल लेवल तक अलग अलग मेडल जीतने का काम किया। हमने धीरे धीरे टेकअप किया कि व्यायामशालाओं के अंदर शेड लग जाए कि उसके नीचे बच्चे खेलने लग जाए, और मैं ये मांग करता हूं आज के दिन रेसलिंग को बढ़ाना बहुत जरूरी है, और उसके अंदर गांव अगर जगह दे देता है तो फिर मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी लगाऊंगा कि रेसलिंग के लिए यहाँ इंडोर हॉल जैसी व्यवस्था भी जल्द से जल्द हम करवा पाए कि हमारी बहनों को खेलने के लिए प्रॉपर नर्सरी अकेडमी हम दे पाए। अनेक और ऐसी मांगे हैं, मैं इन सब की फिजिबिलिटी भी चेक करा लूंगा, क्योंकि आगे भी दो गांव बाकी है, लेट होते होते मेरे ख्याल से 2:30 बजे का टाइम था और 7 बज गए। भरी आपका प्यार है जो हमें भी ताकत देता रहता है, हमें भी एनर्जी देता है, हम काम कर लें। और मेरी विनती है कि इस ताकत को, इस मजबूती को इसी तरीके से आगे बढ़ाने का आप काम करें। सबने गाँव में आने पर जो प्यार मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। बहुत सामने आ गया, देखिए।